नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट जरूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो देखिए, आज मैंने बनाई है नारियल की चटनी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये तवे पे मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लिया है। और ये देखिए, इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी हींग, और इसके साथ साथ डाल दूंगी इसमें लाल मिर्च, ये देखिए। और अब मैं डाल दूंगी इसमें कम से कम 8 से 7 लहसुन लहसुन की कलियां, और आधा ये प्याज डाल दिया है, और 6 से 7 हरी मिर्च डाल दी है, देखिए। और गैस मैंने कम करके रखी हुई है अभी। और देखिए, छोटे से 2 टुकड़े अदरक के डाल दिए हैं, और ये छिला हुआ नारियल डाल दिया है। और ये देखिए मूंगफली है, मूंगफली भी डाल देती हूँ। इससे क्या है, बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। ये देखिए, इसको अच्छे से भून लेते हैं सारी चीज़ों को। ये देखिए, अब मैं एक जार ले मैं ये सारा सामान निकाल लेती हूँ। ये देखिए, जो बाकी तवे पे ऑयल बचा है उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया और थोड़ा सा नमक, और इसमें डाल देंगे ये पानी, जो कि ये चटनी अच्छे से पिस जाए। ये देखिए, नमक डाल दिया है। और अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें जीरा, ये देखिए। अब इसको पीस लेंगे मिक्सी में। ये देखिए, चटनी बनके तैयार हो गई है। इसे मैं एक कटोरी में निकाल देती हूँ चटनी को। ये बहुत अच्छी चटनी बनती है, ये देखिए। अब चटनी में लगा देते हैं थोड़ा तड़का। ये देखिए, वही ऑयल है ये, इसमें डाल दी है थोड़ी सी हींग, और इसमें थोड़ी सी, ये देखिए, एक छोटी सी लाल मिर्च डाल दी है। अब मैं डाल दूंगी राई, जो छोटी वाली होती है वो। ये देखिए, अगर आपके पास करी पत्ता है तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है ये राई, और इससे तड़का लगा दिया है। ये देखिए, कितनी बढ़िया तड़के वाली नारियल की चटनी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूं।